पंजाब सरकार नू आम आदमी पार्टी दी सरकार नू तकरीबन समझ लो 4-5 महीने होए है ते 5 महीनों दे अंदर सब तो वड्डा घोटाला आम आदमी पार्टी दी सरकार ने कीता है जिहड़ा हैगा शराब दा घोटाला लिकर पॉलिसी दा घोटाला ऐसा घोटाला तुसी आप हैरान रह जाओगे कि किस किमें किमें इन्होंने 500 करोड़ रुपया आए घोटाले राही आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल तो सिसोदिया साहब ने पैसा इकट्ठा करने का प्रोग्राम बनाया। मैं बैकग्राउंड दस दवा, दिल्ली विच एक्साइज पॉलिसी बनाई गई जिथे बहुत वड्डे पद्धर नाल घपले हुए एक्साइज तो करोड़ों रुपये कमाउन दा यतन दिल्ली किया गया। उत्थों दे गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंक्वायरी लाई चीफ सैकटरी दी, ते चीफ सैकटरी उत्थों दे अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट्स लिखते है कि अब जिहड़ा पैसा इकट्ठा होया है वो पंजाब दे इलैक्शन च भी वरत्या गया। उन्हां दी चीफ सैकटरी ने आप किया ते किन्ने क्वांटम किकबैक्स आए है उहदे वास्ते CBI दी इंक्वायरी उन्हें मार कीती। CBI ने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कीती, उस इन्वेस्टिगेशन दे बाद CBI ने 17-18 लोकां ते परचा कीता जां मेन अक्यूज्ड मिस्टर ससोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली स्टेट दे है। मैं आ बैकग्राउंड इसलिए दसिया क्योंकि जेड़ी दिल्ली दी पॉलिसी है और बिल्कुल सेम ते सेम पंजाब दी पॉलिसी है। जिन्हें दिल्ली बनाई पॉलिसी उसे बंदे ने उसी टीम ने ससोदिया साहब की अगुवाई विच पंजाब च बनाई गई पॉलिसी। जदों इंक्वायरी हुई उन्होंने आप देखा कि हुण फस गए है, उन्होंने वो पॉलिसी आप कैंसल की है दिल्ली ने क्योंकि उन्होंने प्रेशर CBI का हो गया। हुण जिहड़ी पंजाब की पॉलिसी बनाई गई है जो दिल्ली ने बनाई है किवें बनी है कदों कदों मीटिंगां होईयां वो सारयां दा वेरवा मैं थोनू अज देन लग्या। पहली गल आ पॉलिसी च कीता की गया कीता आ गया कि उन्होंने कोशिश की कि अपने चहेते 2-4 बंदियां नूं लिया जाए इत्थे, सारी ट्रेड उन्होंने हवाले की जाए। तुसी जानते हो कि जिहड़ा एक्साइज है पॉलिसी हुंदी है एक तो मैनुफैक्चर हुंदे है जिहड़ी कंपनियां शराब बनाउंदियां, दूजे उहदे थल्ले आउंदा L1 जिहड़ा होलसेलर हुंदा है उहदे थल्ले आउंदे रिटेलर, रिटेलर है कि जिन्नियां दुकानां है। इन्हां ने बड़ी चलाकी नाल जिहड़ा रिटेलर सी जिहड़ा L1 सी वह अपने काबू कर ले। उन्हें की कीता उन्होंने, पहली गल तुसीं जिन्नियां भी पुराने इतिहास देखो पंजाब दा तुसीं देखोगे L1 कितें 100 हुंदे सी, 150 हुंदे सी, 50 हुंदे सी, 70 हुंदे सी, 60-70 L1 तां हुंदे ही सी पंजाब। मतलब की सी वो L1 सारियां कंपनियां दा शराब अपने कोल रख सकदे सी ते वह रिटेलर उन्हां तों लैंदे सी, रिटेलर जिहड़ा वध रेट दिंदा उह तों पासे हट जांदे सी, कोई डिस्काउंट ज़्यादा दिंदा ओदे कोले चले जांदे सी। सो हैल्दी कॉम्पीटिशन सी L1 च, उहदे च कोई धक्का नहीं हो सकता सी रिटेलर नाल, कोई ज़्यादा जिवें मोनोपलाइज नहीं कर सकता सी L1 वाला। इन्होंने की कीता जो पंजाब दी एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, इन्होंने कंडीशन चेंज करके अपने बंदियां नूं L1 देन वास्ते कंडीशन एजियां पातियां। पहली गल तां सारे बाहर कढ़ते जिहड़े पुराने L1 जिहड़े 30-40 साल दे पंजाब विच जो बिजनेस करदे सी सारयां नूं कढ़ दित्ता। किवें कढ़िया? एक तां कहता कि मैनुफैक्चरर L1 नहीं लै सकदा, दूजा कहता रिटेलर L1 नहीं लै सकता, फिर कहता जिहदी 30 करोड़ तों वध टर्नओवर होए पिछले 3 साल लगातार
घट होगी वह नहीं लै सकता वो उत्ते चाहिए है। तो वड्डी गल इन्होंने कहा कि एक L1 एक कंपनी कल्ला एक L1 इशू करेगी एंड वह भी L1 इन्हां दे कहने जिन्हों देना है उन्हों दिता जाऊगा। हुण इहदे होया कि तुसी जे L1 की मैं लिस्ट कढ़ाई महकमे तो मैं पता किया किनूं किनूं दिते गए जिहड़े बंदे दिल्ली है जिहड़े मेजर प्लेयर दिल्ली है उन्हां नूं ही पंजाब च दिता गया। तुसी जे लिकर ट्रेड बारे तुसी मैं तुहानूं जाणा देवां दो कंपनियां हिंदुस्तान च है एक है गई ब्रिंडको नहीं अपनी सॉरी डियाजो जिहदे कोले ते दूजी हैगी परनो रिकॉर्ड परनो हैगी दो कंपनी आ दो कंपनियां है जिहड़ियां 80% सारे ब्रांड दे मालक आ दो कंपनियां है आई दो कंपनियां 80% ब्रांड सारे दे। हुण आ जिहड़े 80% ब्रांड दियां दिल्ली भी जिहड़ा एक L1 दित्ता है वह है ब्रिंडको अमन ढल बंदा ये तो CBI ने परचा भी दिता है आज एक बार 13-16 दिन दिता है उस बंद उत्ता है वो परचा दिता उत्थे CBI ने उ बंदा इतने आए वो कला जिन्हें जिन्हें भी डियाजो के ब्रांड लेने पंजाब कल्ले अंबन ढाली देने वाला ब्रिंडको ही है दे सकता होर कितों नहीं मिल सकता उन्होंने जिन्हें जिमें इन्हों के ब्रांड है जिमें जॉनी वॉकर है ब्लैक डॉग है जिन्हें भी इन्होंने ब्रांड है किंग फिशर है सारी एक कंपनी डियाजो दे है। सो पूरे पंजाब की जोड़े जिन्हें भी रिटेलर है दुकाना पंजाब जिन्या भी हैं जे उन्होंने कोई भी आप ब्रांड लेना किंग फिशर लेना जो उन्होंने ब्रिंडको को जाना पेगा वो दसूगा किस रेट पर मैं देनी है मनोपली एक्सकलूसिव एक बंद करता उवें जोड़ा है बाकी जोड़े ब्रांड है इंडिया वो आते हैं परनो कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी है सारी इंटरनेशनल हो गई मनोपलाइज हो गई है वो सारे बाकी ब्रांड इन्हों को है उत्थे दिल्ली का बंदा मेहरा फैमिली है दिल्ली की अनंत वाइन्स उन्होंने आ देता। सो दो बंदियां को पूरे पंजाब का दो बंदियां को मनोपली देती जिहड़ी और सप्लाई मनोपली तो समझ लो एक बंदे को जिहड़ा ब्रांड है वो को है दूजे ब्रांड एक बंदे को है जिन्हें रिटेलर है जिहड़ा पंजाब जो रेट वह कहणगे वो रेट पर इन्हों चकना पैना। हुण जिथे पैसा वापस आने की स्कीम बनाई जिन्हें L1 अपने पहले चलते रहे हैं उन्हों का प्रॉफिट मार्जिन गवर्नमेंट ने फिक्स किया 5% पिछले 40 साल का देख लो इन्हां दी सरकार ने की किया आ जिहड़ी अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया 5% नूं वधा दिता 10% करता आ दो बंदियां वास्ते सारी शराब आ दो बंदे देणगे आ जिहड़ा ब्रिंडको वाले ते अनंत माइन उन्हां दा प्रॉफिट देखो 5-7 हज़ार करोड़ की सेल होनी है इन्हां प्रॉफिट 5% तो वधा दिता 10% की गल की होई इन्हां नाल कि जिहड़ा 5% वधाया वो सानू बैकडोर वापस कर दो आई काम इन्होंने दिल्ली किया आई काम इन्होंने दिल्ली किया आई काम इन्होंने इत्थे इन्होंने किया है तकरीबन 500 करोड़ रुपया वापस इन्होंने इस साल इन्हों दो कंपनियों तो लेना है आ ब्रिंडको तो अमन टा जो है अनंत वाइन्स वाले दो बंदियों को जिन्हों सारी मनोपली दी हूँ आ किवें कहानी किवें बनी मेरे को तरीका है जगह है जिथे मीटिंगा हुई पहले जो पॉलिसी बननी सी पहले राघव चड्डा मीटिंग करता सी मीटिंग हायट होटल चंडीगढ़ है हायट चंडीगढ़ के 5वें फ्लोर ते सुइट है जिथे मीटिंगा होंदिया सी सारे बंदियां नाल ते अफसर नाल सारे नाल उहदे बाद जो रफ प्लान बन गया फिर उहदे बाद मीटिंगा हुई दिल्ली मीटिंग जिहड़ी हुई वह हुई पहली मीटिंग हुई उत्थे 30 मई नू 4 बजे शाम नू डिप्टी CM ससोडिया दे घरे मीटिंग कराई गई उस मीटिंग कौन सी डिप्टी CM ससोदिया राघव चड्डा क्योंकि वो पहले सारे प्लानिंग इतने हाइट च रह के कर रहा सी विजय नायर
इन्हों का जरा हूँ अजक भजया फिर सी बी आई वो मगर भी आज देश छड़ के भज गया इन्हों का करता धरता आम आदमी पार्टी का कलैक्शन पॉइंट पैसे का कलैक्शन पॉइंट जोड़ा विजय नायर है वह विजय नायर वो बाद पंजाब दे, पंजाब विचों कौन सी फाइनैशियल कमिश्नर टैक्सेशन उत्थे सी एक्साइज कमिश्नर टैक्सेशन उत्थे सी जेड़े बाकी अफसर इतों उत्थे सी फिर इन्होंने वख वख कंपनियां दे बंदे उत्थे नाल मीटिंग सी। अच्छा एक होर देखो किन्नी शिहारी करते है जेड़े बाहरले बंदे कंपनियां बुलाए सी जिन्होंने डील उन्होंने नाम मीटिंग दसे नहीं कौन वो बंदे है एक का नाम रखा सी मैंगो एक का नाम रखा सी क्यूकंबर वो जो सोचिए दसदा हूँ मैंगो गल करूगा हूँ क्यूकंबर गल करूगा आ सोचते कि इन्हों पता लगे कि दूजा आ सोचते कि इन्ना सीक्रेट असं रखा कि बंदे पता लगे कौन है तुसी ससोड़िया की अज सारे अफसर की कॉल डिटेल कटा लो लोकेशन कटा लो 30 तरीक मई 4 बजे आ डिप्टी सीएम दे ड्राइंग रूम च मीटिंग हो रही है वो बाद सैकेंड फाइनलाइजेशन वास्ते मीटिंग फिर तो हुई 6 जून नू ससोड़िया दे करे आ 6 जून नू हुई उत्थे भी अफसर पूरे सी इन्हां दी कॉल डिटेल कढ़ा लो इन्हां दी लोकेशन कढ़ा लो तुसी सीसीटीवी कैमरा कढ़ा लो तुसी होटल दे कैमरा सीसीटीवी कढ़ा लो आ सारा ये तो वध प्रूफ की है। सो 500 करोड़ का सेम पॉलिसी डिटो तुसी पंजाब दी पॉलिसी रख लो ते दिल्ली दे रख लो सेम बंदियां ने पॉलिसी बनाई ससोड़िया दे अपनी टीम ने सेम पॉलिसी बनी इको ही तरीके ना पैसा 500 करोड़ कट्ठन का स्कीम बनाया उत्थे भी दिल्ली वही बंदे अमन ढल जिहदा सीबीआई दा केस ओही इत्थे है ओवें अनंत माइन आ सारे बंदे है। सो मेरा मतलब है कि एडा वड्डा घपला पंजाब दी सरकार पंजाब सरकार ने कीता है 500 करोड़ रुपया जिहड़ा इन्होंने इकट्ठा किया है क्लेयर वायलेशन है क्लेयर वायलेशन है ये ओपन एंड शट केस है ओपन एंड शट केस है। इस करके श्रोमणी अकाली दल डिमांड्स कि जिवें दिल्ली सीबीआई इंक्वायरी की गई है यदि सीबीआई इंक्वायरी की जाए इनफोर्समेंट डायरेक्टर की इंक्वायरी की जाए सारे इमीजिएटली सारे अफसर के सारे इन्हां लीडर के नाम जिहड़े है सारे फोन लोकेशनस फोन डेटा सारा सील किया जाए सीसीटीवी कैमरे सील किए जान ते इमीजिएटली अरेस्ट किए जान क्योंकि आ बहुत वड्डा घपला पंजाब दे लोकां नाल होया ते जिहड़े तुसीं मानदे सीबीआई इन्हां नूं आ ब्रिंडको वाले ते दूजे जिहड़े हुण भज्जे फिरदे है देखोगे अगले दिनां च आप ही दस देंगे कि किन्ना 5% तो 10% वधाया किस वास्ते वधाया दो बंदियां नूं सारा कुछ देता उन्हां दा प्रॉफिट मार्जिन 10% करता ते मोनोपली करती उन्हां दा ये तो वड्डा घपला मैं लगता कितें हो नहीं सकता। सो इमीजिएटली इहदी सीबीआई असीं गवर्नर साहब कोल वी जा रहे हैं टाइम ले रहे हैं गवर्नर साहब को कि दिल्ली से उन्होंने लैफ्टिनेंट गवर्नर आ प्रोसीजर शुरू किया है गवर्नर साहब नूं बेनती करांगे नहीं तो असी सीबीआई ते ईडी नूं कंप्लेंट अकाली दल तरफों या असी देखांगे जरूर करांगे। एनी क्वेश्चंस?